आज के व्लॉग में हमने बुद्धा स्मृति पार्क पटना को आपको दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नए नए व्लॉग आएंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते एक बार पूरा नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं पटना जंक्शन में और महावीर मंदिर कर सकते हैं। एंट्री गेट है और यहाँ पे अपना टिकट भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। बैग में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था और इसलिए यहाँ पे नहीं रखना पड़ा और उन्होंने रखने भी नहीं दिया। और यहाँ पे बैग रखने की सुविधा आपको उपलब्ध है और मास्क जरूरी है में ही है बैग रखने के लिए। या कुछ भी सामान रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। साफ सफाई यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि ये टाटा के द्वारा मेंटेनेंस है, मेंटेन्ड बाय टाटा ग्रुप। तो यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए एक स्तूप बना हुआ है जो कि मेन आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पे लोग आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध जो अलग अलग देशों से भी आते हैं, थाईलैंड, भूटान इत्यादि देशों से। मैंने अपना मास्क हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी काफ़ी खुला खुला है, भीड़ भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मास्क हटाया है वीडियो बनाने के लिए। हालांकि तुरंत मास्क को फिर से लगा लूँगा क्योंकि यहाँ पे स्टाफ घूमते रहते हैं, डांटते रहते हैं। आज क्योंकि एयरपोर्ट है कुछ दूरी पे, यहाँ से क्रॉस कर रही है। म्यूजिक और लाइट होते रहता है, शाम को म्यूजिक बजता है इन सभी बॉक्स में और इसके अंदर भी लाइट होता है इस बांस के जंगल के अंदर। व्हाइट वाला जो फूल है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मनमोहक लगता है। यह विपस्यना केंद्र, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग या फिर अन्य लोग भी चाहें तो विपस्यना मतलब एक होता है एक टाइप का मेडिटेशन होता है, उसके लिए यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया गया है। यहाँ पे आके लोग कुछ दिन तक ना रहते हैं और विपस्यना का प्रोसेस जो भी होता है वो करते हैं। कफन फ्रेंडली भी है और क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा टाइट रहती है, कोई आपको परेशान भी यहाँ पे नहीं करेगा। देखते हैं यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामि। कंटिन्यूसली बुद्धम शरणम गच्छामि का आवाज आती रहती है म्यूजिक सिस्टम से और भी अच्छे अच्छे संगीत बजते हैं जो कि काफी पीसफुल और मेडिटेशन के लिए अच्छा है। देख सकते हैं आप लगातार आवाज आ रही होगी पीछे से। साइड में बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह की टाइट व्यवस्था है, साफ सुथरा होता है और इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत स्तूप का नजारा आप देख सकते हैं। बना हुआ पानी का जहाँ पे म्यूजिक के साथ फवारा शाम को निकलता है और काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे पौधे लगे हुए मैं चढ़ रहा हूँ। नहीं चढ़ना क्या? क्या बोले? अच्छा टिकट लेके ऊपर जाना, तो टिकट लेके ही स्तूप में जा सकते हैं। बिना टिकट का स्तूप में जा नहीं सकते। आगे से गेट है, मना किया जा रहा है तो नहीं जाएंगे, अभी टाइम नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि।
रहे हैं थोड़ा फाउंटेन को, जो झरना रात को चलता है लेजर शो, उसको भी दिखा देते हैं। और एक बिल्डिंग भी है जो पूरी स्मृति म्यूजियम, जिसके लिए अलग से टिकट पे करना पड़ता है। यहाँ बुद्ध भगवान की एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। और बुद्ध भगवान को यहाँ पे हमने नमन करने का काम किया है। आज के व्लॉग में हमने बुद्धा स्मृति पार्क पटना को आपको दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नए नए व्लॉग आएंगे, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते एक बार पूरा नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे।